ये केस्ट हमारा खूबसूरत जंगल। सलाम चुन्नू। सलाम। सलाम मुन्नी। सलाम प्यारी। वाह मेरी प्यारी, तैयार हो के खूबसूरत कहानी सुनाओ तुम्हें? जी हाँ। तो फिर चलो चुन्नू। मैंने ये कहा, क्या कह रहे हो मेरे छोटे मुन्नी? क्या कह रहे हो छोटे मुन्नी? अरे अरे, ये तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, नहीं। बहुत अच्छे, चलो आज की हमारी कहानी। एक दफा का जिक्र है, खुदाए मेहरबान के अलावा कोई भी नहीं था। नहीं था। कहानी सुनाओ। ठीक है, आज की हमारी कहानी एक जंगल में रूनमा होती है। हमारी कहानी के जंगल में एक आम सा दिन था। रोजाना की तरह आज भी जंगल में हिरन घास खा रहा था, तितली फूल पर बैठी हुई थी, बुलबुल चहचहा रही थी और खुलासा ये कि सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। बकरी तो थी। बकरी? अच्छा अच्छा, बकरी बकरी घास खा रही थी। मकवी कहाँ थी? मकवी क्या है? मकड़ी होती है, वो भी अपना जाल बुन रही थी। हाँ ठीक उसी वक्त जंगल के जानवरों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। कैसी आवाज? उन्हें पता नहीं था कि कैसी आवाज थी। एक आवाज आई, बुलबुल ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, पहले एक तरफ देखा, दूसरी तरफ भी देखा। हाँ, इसकी नजर जाकर पड़ी एक डब्बे पर। उसकी नजर कहाँ जाकर पड़ी? डिब्बा। शाबाश शाबाश, डिब्बा। हाँ, डब्बा एक ऐसी चीज होती है जो लकड़ी से बनी होती है, या जैसे सख्त कागज की, कि जिसमें कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे जूते का डब्बा। शाबाश। बुलबुल हिरन तितली और खरगोश के पास आई और कहा, एक डब्बा वहाँ पर पड़ा हुआ है, आवाज उसी से आ रही है, हमें उसे बिजली की तेजी से खोलना होगा, यकीनन उसके अंदर कोई खतरनाक चीज है, तुम फौरन भाग जाना ए मेरे प्यारे हिरन। हाँ, बुलबुल और दूसरे जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता उनको डर लगने लगा। डर गए? मतलब के इस डब्बे में क्या था, अब वो क्या करें? किसी को कोई इल्म नहीं था। अच्छा, क्या फिर से कहानी सुनने के लिए तैयार हो? जी हाँ। प्यारे चुन्नू, ये बताओ कि हम कहानी में कहाँ तक पहुँचे? जानवरों ने एक आवाज सुनी जो डब्बे के अंदर से आ रही थी, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, डर भी रहे थे। शाबाश बेटे, छोटा खरगोश नजदीक आया। खरगोश बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत भी। हाँ, खरगोश बहुत प्यारा होता है। खुलासा ये कि तमाम जानवरों ने अपनी बात कही, यहाँ तक कि वहाँ उल्लुओं का सरदार आ गया। किसका सरदार? किसका सरदार? उल्लुओं का सरदार। उल्लू, उल्लू। शाबाश, उल्लू। देखूं तो क्या तुम जानते हो उल्लू की आवाज कैसी होती है? मुझे पता है, मुझे पता है, ऐसी है। मुझे भी पता है। मुन्नी की उल्लू वाली आवाज कुछ अजीब और गरीब सी थी, लेकिन कोई बात नहीं। उल्लू ने जब माजरा सुना तो जानवरों से कहा,
भागने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें चलकर देखना चाहिए कि वो आवाज किस चीज की है। उल्लू के लिए तालियां। हाँ, उल्लू के लिए तालियां होनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सब डर जाएं और भाग जाएं। खुलासा ये कि जानवरों ने क्या किया, वो सब डिब्बे की तरफ गए ताकि देखें कि वो कैसी आवाज है। शाबाश प्यारे चुन्नू। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जानवर डब्बे के पास इकट्ठे हो गए। अभी तक वो अजीबो गरीब आवाज उस डब्बे के अंदर से आ रही थी। उल्लू ने कहा, किसी ने ये डिब्बा हमारे जंगल में फेंक दिया है, इसलिए हमारा खूबसूरत जंगल गंदा हो गया है। एक काश कोई भी जंगल में कूड़ा ना फेंके, हमारी जिंदगी बहुत मीठी और अच्छी है, जैसे शहद मीठी और बहुत अच्छी होती है। असल में उल्लू समझ चुका था कि वो डब्बा असल में कूड़ा है जिसे इंसानों ने आकर जंगल में फेंक दिया है। ओहो, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये कितना गलत काम था, देखा आपने, ये कितना गलत काम था, बहुत गलत काम। बच्चों, इस तरह जंगल गंदा हो जाता है। मुन्नी बाहर कूड़ा नहीं फेंकती, ये बुरा काम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। शाबाश, हाँ ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ठीक उसी वक्त चीता, जो कि बहुत ताकतवर और बहादुर था, वो आ गया। उल्लू ने उससे कहा, ए चीते, तुम बहुत ताकतवर और निडर हो, इस डिब्बे को उठाओ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। चीता आया और बड़े इत्मीनान से डिब्बे को उठाया। तुम्हें पता है उसके अंदर क्या था? अंदर क्या था? एक छोटी सी टिड्डी। हाँ, टिड्डी डब्बे के अंदर फंस गई थी और वही चीर चीर की आवाज निकाल रही थी ताकि कोई आए और उसको बचाए। इस डब्बे ने जंगल को भी गंदा कर दिया था और टिड्डी को भी कैद कर दिया था। बेचारा। हाय, बेचारा डिब्बा। अरे बेचारा डिब्बा कहाँ से हो गया? हाँ बताओ। जानवरों ने डब्बा ले जाकर कूड़े की बाल्टी में फेंक दिया जो वहीं करीब में थी, और फिर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमारी कहानी खत्म हुई। लेकिन दौवे को इसका घर नहीं मिला। कौवा अपने घर नहीं पहुंचा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौवा अपने घर नहीं पहुंचा, बहुत अच्छे। देखूं तो आज कौन कौन से अल्फाज सीखे तुमने मुन्नी? टिटी, उल्लू, टिप्पा। शाबाश। मैं अपने प्यारे बच्चों से चाहूंगा कि वो इन अल्फाज से एक कहानी बनाएं या एक पेंटिंग बनाकर हमें भेज दें। हम इसे अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। खुदा हाफिज चुन्नू। खुदा हाफिज प्यारी मुन्नी। खुदा हाफिज। मुन्नी का बच्चा नहीं आया। खुदा हाफिज।